सिंपल पास्ट। अब हम आपको सिंपल पास्ट के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल पास्ट वॉज योर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आदि आते हैं। रूल नंबर वन, सब्जेक्ट प्लस वॉज योर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें, ही वॉज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, देन हमने लिखा वॉज, उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय। रूल नंबर टू हमें दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है हमारा, ही वॉज नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं था। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा ही, देन वॉज, देन नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, देन ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय। रूल नंबर थ्री, वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वॉज ही अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का था। तो सबसे पहले हमने लिखा वॉज, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है। देन हमने लिखा सब्जेक्ट ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर फोर, वॉज योर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वॉज ही नॉट अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का नहीं था। तो यहाँ पर सेम क्या वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है और यहाँ पर नहीं कभी यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले यूज करेंगे वॉज, देन सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर फाइव, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज योर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई वॉज ही अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का क्यों था। तो यहाँ पर अदर क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है। तो सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हम लिखेंगे वॉज, देन सब्जेक्ट ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर सिक्स, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज योर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई वॉज ही नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का क्यों नहीं था। तो ये इंटरगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हमने लिखा वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ वॉज या वर, वॉज का यूज सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट के साथ किया जाता है। या यदि हम एक पर्सन के बारे में बात करें जैसे कि राम, या किसी सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। वर, यू, वी, दे ऐसे सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। या दो से ज्यादा पर्सन जैसे कि राम या श्याम दो पर्सन है वहां यूज होगा, या कोई प्लूरल नाउन हो। सिंपल फ्यूचर, फ्रेंड्स अब हम आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट, या इन सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गी, गे आदि आते हैं। रूल नंबर वन, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें, ही विल बी अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का होगा। तो यहाँ सेंटेंस के लास्ट में गा यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल, देन बी, देन ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय। रूल नंबर टू, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें, ही विल नॉट बी अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं होगा। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, देन विल, देन नॉट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय। रूल नंबर थ्री, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन।
क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, विल ही बी अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी, देन ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, विल ही नॉट बी अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, देन सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, व्हाई विल ही बी अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का क्यों होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड व्हाई, देन हमने लिखा विल, देन सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी, देन ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, व्हाई विल ही नॉट बी अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखा हमने क्वेश्चन वर्ड व्हाई, देन हमने लिखा विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन बी, ऑब्जेक्ट अ गुड बॉय, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ विल या शैल, विल का यूज ही शी इट के साथ किया जाता है, या एक पर्सन जैसे कि राम या कोई सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। शैल का यूज आई यू वी दे इनके साथ किया जाता है, या दो से ज्यादा पर्सन जैसे कि राम या श्याम दो पर्सन है वहां यूज होगा, या कि प्लूरल नाउन हो।